भारत इस साल G20 देशां दी अगवाई कर रहा है ते भारत दे विच इस साल G20 दे समागम होने ने ते इन्हां समागमां दे तहत अमृतसर दे विच वी 15 तों 17 मार्च दे दरमियान समागम उलीके गए ने ते लेकिन इस दरमियान ही अज एक खबर आ रही सी कि तरन तारण की घटना के चलते यह समागम रद्द किए जा सकते हैं तो इतों तक भी कहा गया कि यह समागम रद्द हो गए हैं लेकिन हुण इस गल की तस्दीक करदिया होया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने यह साफ किया है कि यह समागम अपने तय समय के मुताबिक 15 तो 17 मार्च को ही होंगे तो अमृतसर के इस बैठक की उन्होंने होने की तस्दीक की है ते नाल ही कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समागम की मेजबानी करने के लिए पंजाब पूरी तरह समर्थ है ते कोई भी छोटी जिही घटना सूबे का प्रतिबिंब नहीं हो सकती अते नाल ही भाजपा के आगू राजकुमार वेरका ने भी यह साफ किया है कि अफवाहों तो बचा जाए क्योंकि अमृतसर के होने वाले G20 के समागम अपने तय समय के मुताबिक ही होंगे। भाई अमृतसर अपने मेहमानों के स्वागत लई बिल्कुल तैयार है और किसी भी तरह का कोई सम्मेलन रद्द होने बारे सरकारी तौर के उपर कोई अनाउंसमेंट नहीं है ना ही कोई सरकारी पद्धर के उपर यह फैसला लिया गया है। मैं समझना है कि कोई अफवाह है और अमृतसर जड़ा है वह बिल्कुल तैयार बार तैयार है पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अमृतसर के G20 सम्मेलन होगा। श्री अमृतसर साहब च होने जा रहा G20 सम्मेलन डिसाइडेड शेड्यूल दे सधावना निर्धारित शेड्यूल दे हिसाब नाल होने जा रहा उहदे रद्द होने की जिहड़ी आ उह कोरी अफवाह आ। कांग्रेस दे मैंबर पार्लियामेंट गुरजीत औजला और बीजेपी दे कुछ लीडरां वल्लों जिस तरीके नाल पंजाब और पंजाबियों नूं बदनाम करन दी साजिश रची गई आ उह इक वार फिर इह लोक एक्सपोज होए आ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸਤਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਕੋਰੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਹੈ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਬਾਣੀ TV।